हाँ जी लेंगे। हाँ केवल गरीब लोग परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग सब अच्छे और बातें हैं स्वस्थ भाई होंगे। भाई। तो दोस्तों, आप सभी से जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ा सुबह का टाइम है। पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। इसलिए खुश है जिसको मच्छर काट लिया बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारा गैस आ चुका है। आज हम लोग गैस पर खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बना के। और पहले तो यहाँ पर चूल्हा बनाए थे मैं, आप लोग देखेंगे चूल्हा पर भी खाना बहुत ज़्यादा दिन तक। तो गर्मी में गैस पे बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर सब्जी बन रही है, आप लोग देख सकते हैं, और दाल हमारी जो कि सीटी लग रही है। यहाँ पर बैगन थोड़ा ही बनाए हैं, थोड़ा रख दिए हैं। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं गैस कल ही आया है। कल एक आदमी मतलब लेकर आए थे। तो मैं क्या बताऊँ दोस्तों, हम जैसे गरीब आदमी लोग जो हैं वो नहीं जी खा पाएंगे, नहीं गैस पर बना पाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग चूल्हे पे ही बनाने लायक हैं, हम लोग गैस पे बनाने लायक नहीं है। तो जब पैसा रहेगा कभी कभी तो ला लेंगे, नहीं पैसा रहेगा तो फिर चूल्हे पे ही बनाएंगे। तो हमेशा हम लोग नहीं बना पाएंगे गैस पे। आप लोग समझ सकते हैं क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गैस की महंगाई इतना ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम जैसे गरीब लोग नहीं जी खा पाएंगे। हम लोग गरीब लोग लकड़ी बीन बीन के खाएंगे जिएंगे। अगर जो बात सही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? और अच्छा लगा तो लाइक कर, लाइक नहीं करिएगा चलेगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा सही है बात की नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक समय वो था कि 300 रुपये गैस था, ठीक है, जबकि सब लोग, अब सीधा 1300 हो गया, मतलब 1000 दाम बढ़ा है। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, 1000 दाम बढ़ा है। मतलब अगर जो गरीब आदमी 300 रुपये डेली मजदूरी करता है, सोचिए 300 रुपये डेली मजदूरी करेगा तो 900 रुपये का गैस कैसे 1300 का ले आ पाएगा? नमक देखेगा, तेल तो 200 रुपये लीटर हो ही गया है, आप लोग समझ सकते हैं। जो नमक माचिस 1 रुपये में मिलता था, वो माचिस 1 रुपये में एक मिल रहा है। तेल 200 रुपये लीटर है, 70 रुपये 50 रुपये लीटर तेल था, मतलब डायरेक्ट दुगुना दाम बढ़ रहा है। तो हम जैसे गरीब लोग, जितने लोग हैं मजदूर लोग, वो लोग कभी जी नहीं खा पाएंगे और हमेशा एक दूसरे के ताना बोली सुनते रहेंगे, दूसरे का दबाव में रहते रहेंगे। कभी वो अपना ज़िंदगी खुशी से नहीं बिता सकते हैं क्योंकि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। मैं आप लोग से मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी एक बार आँख खोल के देख लीजिए कितनी महंगाई है। लेकिन क्या है, इसमें गरीबी गरीब लोग ही पेरे जाते हैं, बड़े लोग तो कुछ नहीं है। बड़े लोग के पास पैसे हैं, बड़े लोग अच्छे से खा जी लेंगे। हाँ केवल गरीब लोग परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, कैसा लगा बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं पता है 6-7 महीने के बाद मैं गैस लेकर आया हूँ, इसीलिए आप लोग से ये बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि बेवत ही नहीं था हम लोग, हमको गैस लाने के लिए बेवत नहीं था। लकड़ी पे बनाते थे, वो भी लकड़ी हमको बकरी चराते थे जब घूम घूम के, तो एक एक लकड़ी बीन के रखे थे तब मिला था। बताइए 6 रुपये 7 रुपये किलो लकड़ी है, कहाँ से कौन खा जी पाएगा? तो यही सब बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताइए। और बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना महंगाई तो, महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, सर से ऊपर हो गया। ठीक है, फिलहाल हम तो लाए हैं इसीलिए आप लोग को बता दिए हैं। कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसा ही आप सभी को मैं बताती रहूँगी क्या कैसे है क्या नहीं है। जो भी जाएगा हमारा वीडियो एकदम साफ रहेगा, और हमारे वीडियो में कोई फ्रॉड काम नहीं करेंगे, नहीं हम फालतू बात बोलेंगे, ठीक है? जो बात है वो हकीकत है, ठीक है? बाय।